कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी है फिर इनका, ये आपने असटेंड किया क्या? फर्जी तो एक है यहाँ तक, दोनों तो दोनों सर एक साथ नहीं होता। नहीं दोनों हो नहीं सकते, लेकिन एक फर्जी है। आप ये बताओ कौन सा फर्जी है, आपने इन्वेस्टिगेट किया क्या? ये तो सर आपको, आप बोल रहे हो कि ये फर्जी है, तो दोनों तो एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए जिस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये कर रहे, आप इनका क्या दोबारा प्रमोशन वगैरह जब होगा तो इस सीआईटी के सर्टिफिकेट को आप मान्यता नहीं दोगे? इन्होंने पोर्टल में तो नो लिखा हुआ है सर उनके लिखा हुआ ऊपर। है पर एक सर्टिफिकेट तो फर्जी है, ये बात तो है, लेकिन कौन सा ये तो बताओगे? अबे किसी को सजा देना है तो पहले बताओगे ना कि तुमने ये अपराध किया है, क्या प्रॉब्लम है? ये केस कल हुआ था क्या? जी परसों, कल परसों परसों हुआ है। हुआ। इनका क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर इनका सीआईटीएस का पीरियड और एक्सपीरियंस का पीरियड में ओवरलैपिंग, हाँ सीआईटी क्या क्या गाइडलाइन है? सीआईटीएस का सर ये बताओ। मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाँ बताओ, पढ़ करिकुलम लो। जो निकलता है सर डीजीटी का हाँ पढ़ लो। वो इसमें लगाया हुआ है। हाँ एक्चुअली सीआईटीएस जो है इट इज़ ए 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स हाँ और वीक्स आर स्पेसिफाइड, 40 वीक्स, हाँ 40 हफ्ते का कोर्स होता है सर। हाँ एंड दी कैरिकुलम में क्लियर है कि 1200 आवर्स हैं, तो हाँ 40 वीक्स में मतलब पर वीक 30 आवर्स क्लासेस होंगी। बोथ हाँ क्लासेस आर देयर, प्रैक्टिकल भी है, सिलेबस भी उसमें लगा हुआ है, ट्रेड हाँ प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी। तो इसमें 1 वीक में 30 आवर्स, तो यदि 5 डेज का इंस्टीट्यूट है, हाँ 5 डेज वीक का, तो 6 घंटे क्लास लगेंगे। तो हाँ इसके साथ अगर हम इस केस में हमने इसका रिम्यूनरेशन बिल भी मंगवाया। हाँ मिला। हाँ, वहाँ से उन्होंने ट्रेजरी जो भेजते हैं कवरिंग हाँ वो उन्होंने दिया है, तो हाँ उस ड्यूरेशन में उनको पैसा भी मिला है वहाँ पे पढ़ा वहाँ जिस आईटीआई का इन्होंने एक्सपीरियंस किया। रहे करके, तो फिर ये एक साथ दो जगह काम कर रहे हैं ऐसा आपको कहना है? यस सर, ओवरलैपिंग तो तो जी सीआईटी का जो है वो क्या रेगुलर क्लास करना जरूरी है? सीआईटीएस में सर क्लासेस तो वो तो स्पेसिफाइड है सर। तो कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी है फिर इनका, ये आपने असटेंड किया क्या? फर्जी तो एक है यहाँ तक, दोनों तो दोनों सर एक साथ नहीं होता सर। नहीं दोनों हो नहीं सकते, लेकिन एक फर्जी है। आप ये बताओ कौन सा फर्जी है, आपने इन्वेस्टिगेट किया क्या? अब वो तो स्टेट स्टेट आईटीआई है जहाँ से इनका रिम्यूनरेशन है, फिर और ये हमने आज सर एक हाँ बोलिए बोलिए। आज एक लेटर भी डीजीटी अभी व्हाट्सएप में मिला है। डीजी हाँ एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सीआईटीएस कराते हैं हाँ इनको डीजीटी के थ्रू तय अप्रूवल करते मिलता है। हैं और वहाँ से उनकी सीटें तय होती है, हाँ एनसीवीटी उसको मॉनिटर ये करता है। सीआईटीएस प्राइवेट संस्था रहती है? दोनों होती हैं सर, वो एक पूरा मैट्रिक्स है जो डीजीटी के पोर्टल में रहता है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट है। दोनों तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक्चुअली वही इंस्टीट्यूट होते हैं जो डीजीटी के नाम सर उसको फुल फिल फुलफिल करते हैं, करते हैं। तो कई जगह नहीं भी होता है तो तो ये कुछ जो डीजीटी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर ट्रेनिंग जनरल ऑफ ट्रेनिंग है जो सारा ट्रेनिंग नॉर्म है। और सब कुछ बनाता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है, हाँ। बट उसको इंश्योर करने का काम एनसीवीटी का है। ये जो सीआईटीसी जो है वो किस एक्ट में बनी हुई है? भाई डीजी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वो टेक्निकल वाले हैं वो एनसीबीटी बनाए। अच्छा एनसीबीटी में कोई इंस्टीट्यूशन की डिफाइंड किया गया? सर वो एनसीबीटी एक्ट है क्या आपके पास? ये एक है सर मैनुअल है जो अरे डीजीटी यू आर मिस्टर पाठक ना? नहीं सर अभिषेक अवस्थी सर। अवस्थी। अच्छा आप ये हमको बताओ कि एनसीबीटी एक्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाँ एक्ट नेशनल 1986 का शायद ना, 80, उसका एक्ट को निकालो पूरा, और उसमें कौन कौन सी बॉडी क्या क्या ऑथराइज है, कॉम्पिटेंट क्या है, वो सबको एक हमको एक लिटरेचर दीजिए, क्योंकि आप पूरा एक लिख के दीजिए। आपकी आईटीआई वगैरह के सारे केसेस चल रहे हैं, सारा डिस्प्यूट वहीं आ रहा है। आप ये सीआईटी जो होता है, सीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? राक्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और ये काम कर रहे हैं असिस्टेंट, मतलब इनके लिए ये डिप्लोमा। सर जो टीओ सेलेक्ट होते हैं हाँ इनका रीस्किलिंग का प्रोग्राम, हाँ इनको फिर स्किल से हाँ डेवलपमेंट। डेवलप, जैसे एजुकेशन में बीएड वगैरह होते हैं उस हाँ तरह से। तो आप ये बताओ अब इनका एक सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट फर्जी है? ये तो आपको, आप बोल रहे हो कि ये फर्जी है, तो सर दोनों तो एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए जिस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये कर रहे, आप इनका क्या दोबारा प्रमोशन वगैरह जब होगा तो
तो ये सीआईटी के सर्टिफिकेट को आप मान्यता नहीं दोगे? इन्होंने पोर्टल में तो नो लिखा हुआ है सर, लिखा उन्होंने हुआ है पर एक सर्टिफिकेट तो फर्जी है, ये बात तो है, लेकिन कौन सा ये तो बताओगे? अभी किसी को सजा देना है तो पहले बताओगे ना कि तुमने ये अपराध किया है? तो आपने तो अभी तक इसको अपराध कौन से पहले ये आप अपने घर में तो तय करके बताओ कि ये फर्जी वाला करके आया है, ये जो इसका नौकरी वाला इशू है वो फर्जी वाला है। तो बात बिल्कुल सही थी, डिसमिसल बिल्कुल ठीक है हुआ है, पर वो तो आप तो तय नहीं कर रहे हो। और सीआईटी जो होता है वो क्या क्लास अटेंड करना जरूरी है? एक्चुअली सर ये ओवरलैपिंग जो है ये तो बहुत सारी ओवरलैपिंग के जिन्होंने पोर्टल में डिक्लेयर कर दिया उनकी ओवरलैपिंग शुरू में दिख ये रही सब ओवर एम्बिशियस लोग हैं, हम समझते हैं कि दे ऑल आर ओवर एम्बिशियस पर्संस। है यार, वो रिव्यू कमेटी के पास वो सारे प्रकरण अभी जो 11 जुलाई को लगने हैं हाँ, उसमें तो वो हैं सारे। और इनका तो रिजेक्ट किया आपने, नहीं सर रिजेक्ट नहीं हुआ इनका, नहीं हुआ अभी उनको, अभी इन्होंने नोटिस इशू। इन्होंने पोर्टल में उसको नो किया था हाँ CITS को, हाँ फिर शिकायत हुई, शिकायत में ये पाया गया कि इन्होंने CITS इन्होंने वहां आपके साथ सबमिट नहीं किया था, नहीं, इन्होंने वो 10 नंबर बोनस का नहीं लिया है। नहीं ले लिया, बेनिफिट नहीं लिया से, और 10 नंबर तो नहीं लिया है, लेकिन सीआईटी से आके अगर फर्जी है तो उस फर्जी का अगर मैंने दस्तावेज मान लीजिए यूज नहीं किया है तो क्या मेरा अपराध बनता है क्या? शिकायत पर शिकायत हुई है लेकिन उस शिकायत का एडवांटेज इसमें हमको बताइए, अगर शिकायत पे अगर मैंने कोई एडवांटेज लिया कि नहीं लिया, और नहीं लिया तो फिर क्या हो? मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे फालतू की डिग्री पड़ी हुई है पर मैं कहीं उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा? दरअसल ये भी कि डिस्टिंक्टेड पीरियड को भी देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए सर, वो तो आप वो सब करके बताइए, इनकी केस को एग्जामिन कर लीजिए, और क्या सी आप एक तो पहले हमको पूरा आपको लिटरेचर बताइए, आपको सीआईटी वगैरह के नाम याद नहीं आता, सीआईटी एनसीपीटी और आपके जो डीजीसीटी है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल फॉर ट्रेडिंग एंड वो, तो उसका क्या स्कीम है, व्हाट इज द लीगल सेंसिटी, ये स्टेट के वो लॉयर बताएंगे कि ये किस एक्ट में बनी हुई है, इनका क्या रोल है और ये किस हद तक इनकी बातों को मानना है, ठीक है? इतना आप हमको पूरा एक मटेरियल बताइए, देन विल हियर दिस मैटर अगेन। अभी तो क्या आप नौकरी कर रहे हैं? जी। नो नौकरी करने दीजिए, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इसको आप ये इनका 11 जुलाई के साथ लगा देते हैं, कोई वो इसी की इस केस को भी 11 जुलाई को लगा देंगे, और उसके पहले हमको पूरा एनसीबीटी पर लिटरेचर जो भी आपका है, कौंसिल कैसी बनी है, क्या उद्देश्य है इसका, और ये किस हद तक आपके लिए बंधनकारी है, ये सारी चीज़ों को हमको बताइए।